हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों की। यहाँ पर हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदाणी की 9 कंपनियों में विदेशी निवेशकों ने घटाई हिस्सेदारी और LIC ने 2 में बढ़ा दी यानी कि हिस्सेदारी। कौन कौन सी वो कंपनियाँ वो हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं हाईलाइट को कि विदेशी निवेशकों ने अदाणी ग्रुप के में घटाई हिस्सेदारी। जून तिमाही में ग्रुप के 9 शेयरों में मुनाफा वसूली। LIC ने अदाणी ग्रुप के 2 शेयरों में बढ़ा दिया हिस्सा। म्यूचुअल फंड की भी कुछ बात है, वो भी हम करेंगे यहाँ पर। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है, उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो FII से उन्होंने भी जो है शायद वो किया हो कि ऊपर में जब मुनाफा मतलब कि जब तेज़ी आई तो शायद हो सकता है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली की। अगर वापस से शेयर को थोड़ा सा नीचे भी आते हैं तो वापस से वो खरीदारी भी कर सकते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, सब पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें। कि अदाणी ग्रुप के शेयरों में आई तेज़ी का फ़ायदा उठाते हुए विदेशी निवेशकों ने जून तिमाही में जमकर मुनाफा वसूली की। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने जून तिमाही में अदाणी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 9 में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। कई बार मैंने बात की है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल की बात है, अगर किसी के पास 100 शेयर है किसी भी कंपनी के, उसके अंदर से 10 या 20 शेयर अगर कोई चाहे तो अच्छी खासी तेज़ी आती है। और अब हमें ये लगता है, भले ही हमें वो जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो शेयर ले रखे हो, लेकिन अगर ये लगे कि अब थोड़ा बहुत 5-10% का करेक्शन आ सकता है तो चाहे तो मतलब कि ये 10 या 20 शेयर बेचना है तो बेच सकते हैं, वापस से खरीदना है जब नीचे आता है तो खरीदना है तो खरीद सकते हैं। इस तरीके से भी एक मतलब कि छोटा छोटा ये ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना हो सकती है। चलिए इस रिपोर्ट को आगे देखते हैं कि इस दौरान देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अंडर परफॉर्म करने वाले अदाणी ग्रुप के 2 शेयरों यानी कि अदाणी एनर्जी और अदाणी एंटरप्राइज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। इस साल अदाणी ग्रुप के शेयरों में अदाणी पोर्ट्स की का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इस शेयर में इस कैलेंडर वर्ष में 45% की तेज़ी आई है। इसके अलावा अदाणी पावर, अंबुजा सीमेंट और ACC ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि NDTV, अदाणी टोटल गैस और अदाणी विलमार ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अदाणी ग्रुप के 10 शेयरों के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो जून तिमाही में FII ने अदाणी एंटरप्राइज में अपनी हिस्सेदारी 268 बेसिस पॉइंट कम की है। इसी तरह उन्होंने अदाणी एनर्जी में 196 बेसिस पॉइंट, अंबुजा सीमेंट में 150 बेसिस पॉइंट, अदाणी पावर में 118 बेसिस पॉइंट और अदाणी ग्रीन एनर्जी में 124 बेसिस पॉइंट हिस्सेदारी बेची है। और विदेशी निवेशकों ने जून तिमाही में केवल अदाणी पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी 21 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, यानी कि उसमें थोड़ी सी खरीदारी की है अदाणी पोर्ट्स के अंदर। इस कंपनी को अदाणी ग्रुप की दुधारू गाय भी कहा जाता है। और ये इसका जो है इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी कंपनी। और ये जो है FIS की अगर बात करें तो ये इतनी हिस्सेदारी कम हुई है। और एक मतलब कि इसके अंदर आप पूरा पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर ये अदाणी पोर्ट की इसको देख सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी हिस्सेदारी इतनी बड़ी है। वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ और आप यहाँ पर ज़रा गौर करें, ये मार्च तिमाही की जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है और अभी भी इतनी होल्डिंग है इन लोगों के पास, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके ये आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा माल बेचा है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनी के अंदर अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली अभी थोड़ा सा नीचे आता है तो वापस से खरीदना है तो भी वो मतलब कि खरीद सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं LIC की बात। LIC ने किस पर लगाया दाव? तो दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक LIC ने ACC, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी टोटल गैस में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी है, मतलब कि जितनी थी उतनी रखी है। और सरकारी बीमा कंपनी ने अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी 62 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.07% कर दी है। अदाणी एनर्जी में LIC की हिस्सेदारी 68 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 3.68% हो गई है, जबकि अदाणी एंटरप्राइज में ये 14 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 4.07% पहुंच गई है। अदाणी एनर्जी का शेयर इस साल जो है सपाट रहा है, जबकि अदाणी एंटरप्राइज में 4% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। और ये LIC की यहाँ पर बात है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब की सब कंपनी के अंदर इसकी आप मार्च तिमाही की होल्डिंग देख सकते हैं और जून तिमाही की भी होल्डिंग देख सकते हैं, कितना डिफरेंस रहा। और ये सब चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं म्यूचुअल फंड की बात। तो हालांकि म्यूचुअल फंड्स का अदाणी ग्रुप के अधिकांश शेयरों पर भरोसा बना हुआ है, ACC में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जून तिमाही में 122 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। इसी तरह अदाणी पोर्ट में उनकी हिस्सेदारी 22 बेसिस पॉइंट और अदाणी एनर्जी में 16 बेसिस पॉइंट बढ़ी है। हालांकि अंबुजा सीमेंट में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। संयोग की बात है कि रिटेल इन्वेस्टर ने भी इसी शेयर में अपनी हिस्सेदारी कम की है।
इस दौरान छोटे निवेशकों ने अदानी ग्रुप के 9 शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। 5 कंपनियों अंबुजा सीमेंट, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज और अदानी एनर्जी में प्रमोटर हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकती है। इसके अंदर FIIs की भी बात की हमने, म्यूचुअल फंड की भी बात की, LIC की भी बात की और प्रमोटर्स की भी बात की। सो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी जानकारी के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई शेयरों के ऊपर हम डेली या टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।